वेलकम बैक, मैं आपका सुशील सर एक बार फिर से फंडामेंटल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले क्लास 10th एंड 12th में क्वेश्चन होता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय को हम किस तरीके से लिखें जिससे हमें फुल मार्क्स मिल सकें, तो मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं जीवन परिचय को हम किस तरीके से लिखते हैं जिससे हमें उसमें फुल मार्क्स मिल सकें। सबसे पहले हमें लिखना होता है जन्म, और फिर शुरुआती शिक्षाएं, रहन सहन और मृत्यु। इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है हमारा, वो होता है साहित्यिक विशेषताएं। तीसरा होता है रचनाएं एवं कृतियाएं। तो ये तीन बिंदु ऐसे हैं जो हमें याद कर लेना चाहिए। इसके बाद में हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए हम किस तरीके से इसको लिखें। तो लिखने का तरीका जो हमारा होता है, सबसे पहले लिखने के लिए हम सबसे पहले कॉपी के दोनों तरफ, एक तरफ हम लिखेंगे जन्म और एक तरफ लिखेंगे हम मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा और जन्म स्थान। ये सारी चीजें हमें लिख लेनी। मान लीजिए किसी भी लेखक का जन्म हुआ है 1897, तो 1897 हम लिख लेंगे। मृत्यु हुई है 1950, तो 1950 लिख देंगे। माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा और जन्म स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीजें हमारी शुरुआत में होंगी तो जो भी एग्जामिनर होते हैं वो इन चीजों को देखेंगे, और अगर ये ठीक हैं तो आगे उनको नंबर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि कहते हैं कि यदि हमारा दिन सुबह अच्छी है तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमारी शुरुआत अच्छी है तो अंत तो अच्छा होना ही होना है। फिर हमारा जो फर्स्ट हेडिंग होता है जीवन परिचय, फिर हम उसको जीवन परिचय लिखते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा मैं डिटेल में एक लेखक का आपको लिख करके बताऊंगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा होता है वो होता है रचनाएं, कि रचनाएं हम किस तरीके से लिखते हैं। रचनाओं में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मान लिया उस लेखक की रचनाओं में निबंध है तो निबंध के नाम लिख दिए, आलोचना है तो आलोचना के नाम लिख दिए, जो भी है इतिहास लिखा है उन्होंने तो इतिहास लिख दिया, संपादन किया है तो संपादन लिख दिया। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट होता है साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान किस तरीके से लिखा जाता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीवन परिचय को लिख सकते हैं और अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये दावा है कि जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, जो जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, अगर ये ठीक तरीके से आप 7 दिनों में करते रहे तो आपके 80 से 85 या 90% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए तो उसके बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। क्योंकि आप अच्छे नंबरों से पास हों, बस यही हमारा उद्देश्य है। तो जय हिंद, जय भारत।